वेलकम बैक। रोजनगर का सिलसिला जारी है, यह वक्त हुआ है हेडलाइंस का। एयर चीफ मार्शल सुहेल उमान का मास्को में रूसी फजाई के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेडक्वार्टर पहुंचने पर रूसी फजाई के कोर कमांडर चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के फजाया की तरबियत और मशकों के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दो खुदकुश धमाके, 50 अफराद जख्मी, मुतद्दिद जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आला सिंध का कराची का अचानक दौरा, सफाई की सूरतहाल का जायजा लिया। कहते हैं एक दो माह में सफाई की सूरतहाल बेहतर हो जाएगी। साई ने नई डेडलाइन दे दी। रेंजर्स के क्याम की मुद्दत और छापों के इख्तियारात, वज़ीर-ए-आला सिंध ने नई समरी तलब कर ली। काइम अली शाह आज दुबई रवाना, वज़ीर-ए-आला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सिंध में तालीमी इदारे फिर से खुलने को तैयार। वज़ीर तालीम और महकमा तालीम के आला अफसरान छुट्टियों पर। दाखिला और फीस पॉलिसी पर फैसले कौन करेगा, वालदैन परेशान। अदालत ने असद खल को 14 रोज रिमांड पर जेल भेज दिया। असद खल को मकामी अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िम पर गैर कानूनी असलहा और कार्य सरकार मुदाखलत के मुकदमात दर्ज हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जाहिरियत के खिलाफ आज भी शटर डाउन हड़ताल। वादी में मुसलसल कर्फ्यू की वजह से खाने पीने की अशिया की किल्लत, शोदा की तादाद 51 हो गई। खवातीन और बच्चे समेत 5,000 जख्मी। और बादल शहरे इकतदार का हुसन मस्जिद निखर गया। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हुआ तो मुरझाए चेहरे भी खिल उठे।